नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैंने कल के लिए मतलब 17 दिसंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैंने निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी गेम कैलकुलेशन करके दिखाऊँगा, कैलकुलेशन करके रखाऊँगा और दिखाऊँगा। और उसके बाद मैंने जो बाय सेल लेवल बना हूँ उसका लेवल मैंने रेगुलर बेसिस पे रात में दे देता हूँ। तो उसको कल का मैं कैसे मैच किया है निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा और बाय सेल लेवल इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप मैंने बना के रखा है, एडुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पज़ की चीज़ बना के रखा है, कैसे मेरे बाय सेल लेवल को स्क्रीन करना है, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, ये सब बहुत सारा चीज़ है, वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं निफ्टी, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट इधर ओपन किया हूँ। देखिए इधर ये पहले नीचे आके फिर से रिट्रेस करके ऊपर गया है, आज फिर सर कॉन्सेंट्रेट करके नीचे आया है। तो इधर देखिए अब लोग क्लियर देख रहा है जो डबल टॉप दो साइड में, ये डबल टॉप ऑलमोस्ट एक डबल टॉप फॉर्मेशन किया है जो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसमें डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको ऊपर जाने के लिए इस लेवल का जो ये जो लेवल है इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, मतलब 12,170-175 को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये 200 के ऊपर जा सकता है। और जिसका पॉसिबिलिटी मेरा हिसाब से जो चार्ट का जो सेटअप है तो इसमें पॉसिबिलिटी कम लग रहा है नीचे जाने का, या इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है। तो ये अभी इस एक्सपायरी में तो 12,200 जाने का प्रोबेबिलिटी मेरा नहीं लग रहा है। और मैं इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस करके देखता हूँ। ऑप्शन चेन में इसका पीसीआर रेशियो इसका 1.07 है, 1 के ऊपर है, पहले 1.30 चला गया था, उसके बाद फिर 1.50 के ऊपर चला गया था, उसके बाद फिर कॉन्सेंट्रेट करके नीचे आया है, ऐसे ही मैंने पहले भी बताया था। तो इधर 12,200 में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और जो चीज़ नोटिसेबल है वो है कि इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है पुट साइड में, 12,000 में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, उधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, और जस्ट नीचे जो 12,000 का 50 का जो लेवल है उसमें शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो इसमें जो हम लेवल है 12,200 में, मेरा लगता है इसमें भी शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगा, और इधर ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा दिख रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी मैंने दिखाऊंगा, तो देखिए ये 3 डेज एक्सपायरीशन है, 12,053 लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, इसका कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इतना है, और इसका 12,000 के पास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना कि 12,200 के पास जाने का प्रॉबिलिटी कम है, 12,000 के पास जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का मैंने देखता हूँ, बैंक निफ्टी में देखिए ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बना हुआ है, इधर भी डबल टॉप बना है, तो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी इसका भी ज़्यादा लग रहा है। इसको ब्रेक करने के लिए जो 32,180 का लेवल इसको तोड़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है, बैंक निफ्टी निफ्टी का कंपैरिजन से थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन इसका भी क्रॉस ओवर होना बाकी है। आप लोग इधर से भी चार्ट को देख सकता है, कितना क्रॉस ओवर होके ये ऊपर जा गया था, उसके बाद कैसे इधर से क्रॉस ओवर होकर ऊपर गया था, उसके बाद कैसे ये डाउन में आया है। तो इधर अप ट्रेंड जाने के भी इसका क्रॉस ओवर होना ज़रूरी है, तो 32,200 ये क्रॉस करेगा तो ये 32,500 के आसपास जाने का
पॉसिबिलिटी है, लेकिन 32,500 तोड़ना इस एक्सपायरी में मुश्किल रखना है। रदर इट विल टेक रिवर्स, इट हैज स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी टू टेक रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज ये डाउन ट्रेंड में सकना आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखाऊंगा तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो इसका पीसीआर रेशियो 1.12, वो भी 1.50 के ऊपर था, ये कंसोलिडेशन के नीचे है, ये 32,000 में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और 31,500 में शॉर्ट बिल्डअप, 31,500 में पुट साइड में इसका सपोर्ट है, उसमें भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, मतलब दोनों साइड में ये साइडवेज मूवमेंट अभी चलेगा, कंसोलिडेशन होगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आएगा, तो ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम ही है, नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी, ये कंसोलिडेट होकर नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है। और इसका अभी दिखाता हूँ, इसका जो 31,500 के जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, 32,500 के मतलब अप ट्रेंड, थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है। और सर मैंने जो मैंने रेगुलर रात में मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें मैंने वाइसल लेवल कम स्कैनर में स्कैनर से मैंने कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिखा देता हूँ, और कल का जो परफॉर्मेंस था वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए और देखिए कल का जो मैं लेवल था इसमें देखिए 12,205 ये कल मैंने दिया था, इसमें मेरा जो पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, इसमें मैंने ये शेयर करता हूँ। तो ये 32,096 के ऊपर बैंक निफ्टी का बाई लेवल था, दो साइड ही बाई का लेवल आया है, दोनों से जो बाईस लेवल कम बाईस लेवल वन में मेरा स्किनर में बाईस लेवल वन टू और थ्री रहता है, तो मैंने बाईस लेवल वन को कंपेरिजन करके दिखाता हूँ। ये जो मैंने देखिए करेंट हाई जो है और करेंट लो जो है, करेंट हाई बाई का लेवल से ऊपर है और करेंट लो का नीचे, करेंट लो सेल का लेवल के नीचे आ नहीं पाया है। तो इधर देखिए 12,105 तक आई गया है, ये 12,096 से इसका लेवल था। तो एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर का ओपन हुआ था 197 के ऊपर, 197 के ऊपर जाने के बाद मैंने एक बार देख लेते हैं, 197 के ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ गया था, नीचे आ गया था, तो उसके बाद शायद ये ऊपर नहीं गिर जा पाया 197। मेरा चार्ट में तो इधर दिख रहा है, कैंडल स्टिक ही दिखता हूँ, कैंडल स्टिक ही आए तो इधर 12,000 के ऊपर शायद इसका लेवल में आप लोग ट्रेड नहीं ले सकते थे। तो देखते हैं इसमें इस लेवल पे 12,199 में ओपन होने के बाद ये 199 में ओपन हुआ, उसके बाद ये नीचे आया है, 205 का लेवल इसका आया नहीं है, उसके बाद में इसका 205 दिख रहा है, तो 199 में ओपन हुआ था ना, 197 दो के ऊपर, 205 के ऊपर गया, जा नहीं पाया है। तो देखते हैं इसका निफ्टी का लेवल देख लेता है एक बार, और 31,990 से इसका सेल लेवल था, तो 31,990 के नीचे देखिए इधर 31,990 बना है, आप लोग इधर शॉर्ट पे देख सकते हैं, इसके बाद ये 31,848 तक ये आया है, इधर आप लोग नीचे वाला ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि इधर ओपन होने के बाद ही ये आप लोग एक सेकंड के अंदर ये दे देता है, तो ये इस ट्रेड में आप लोग नहीं ले पाते थे। तो डाउन में जो डाउन का जो लेवल है उसका लेवल था बहुत 31,990, उस लेवल में आप लोग एंट्री ले सकते थे, तो 31,848 तक आ जाता था। और निफ्टी का लेवल था 12,131 में, और 106 में इसका नीचे का लेवल था, निफ्टी का लेवल भी देख